हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका, अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बाजार जैसे स्प्रिंग रोल घर में बनाने वाले हैं। इसे बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर में ही मिल जाएंगे, आपको बाजार से कुछ भी सामान लाने की जरूरत नहीं है। और इसकी खास बात यह है कि आज हम इसे गेहूं के आटे से बनाएंगे। जो लोग मैदा खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, तो आप इस रेसिपी को अपने घर में एक बार ट्राई जरूर करें। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप से एक कप गेहूं का आटा लिया है। फिर मैंने यहाँ पर 1/4 कप सूजी ली है, जिसे रवा भी कहा जाता है। यदि इसे चम्मच से नापेंगे तो ये 4 चम्मच सूजी है। फिर इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। अब इसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच तेल। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। जो हमने तेल डाला है वो भी अच्छी तरह से आटे के अंदर मिल जाए। इस तरह से हम सभी चीजों को मिलाएंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको करना है। तो आप इस तरह से तेल मिलाने के बाद इस आटे को हाथ में लेकर इस तरह से दबाइए। ये देखिए, तो इस तरह से इसकी एक मुठिया बननी चाहिए। यदि ये मुठिया नहीं बनती है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच तेल और डाल लीजिए। इसी के कारण जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो तेल भी अच्छी तरह से मिल गया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाएंगे। ये आटा हमें एकदम ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना है और एकदम ज़्यादा नरम भी नहीं रखना है। मैं अभी आपको आगे बताऊँगी कि आटा आपको कितना कड़क या नरम रखना है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह का आपको आटा लगाना है। इस आटे को हम 15 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। ये आटा 15 मिनट के बाद थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है, तो जो सूजी है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो स्टफिंग बनाने के लिए हम यहाँ एक पैन में डाल लेते हैं 2 चम्मच तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच सौंफ। सौंफ को थोड़ी देर के लिए तेल में फ्राई होने देंगे। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है सौंफ का। सौंफ भी हल्की सी फ्राई हो गई है, तो इसमें हम डाल देंगे 2 लहसुन की कलियां, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। 1/2 अदरक का टुकड़ा, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब थोड़ी देर के लिए इन्हें चलाते हुए हम पकाएंगे। लहसुन अदरक भी हल्के से भुन गए हैं। इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिर्ची की क्वांटिटी को आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। फिर डाल देंगे 4 से 5 कड़ी पत्ते, जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है। थोड़ी देर के लिए इन्हें चलाते हुए पकाएंगे। अब मिर्ची भी अच्छे से पक गई है, तो इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। स्प्रिंग रोल के अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स डालकर स्टफिंग बनाई जाती है। आज मैं आपको बहुत ही कम सामान के साथ बढ़िया से स्टफिंग बनाना बता रही हूँ। ये स्प्रिंग रोल खाने में इतने बढ़िया लगते हैं कि आप हमेशा ही इसे बनाकर खाना चाहोगे। अब यहाँ सभी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं, तो इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। अब मसालों को हम प्याज के अंदर इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। मैंने यहाँ पर सॉस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, बिना सॉस के ही ये स्टफिंग आपको बनाना बता रही हूँ। कि जब भी आप ये स्प्रिंग रोल बनाएं, आपको सारे सामान घर में ही मिल जाए, आपको बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। अब मसाले भी अच्छी तरह से भुन गए हैं, इसमें हम डाल देंगे आलू। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए थे, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें, इसे लंबे लंबे लच्छे में ही ग्रेट करें। ये देखिए इस तरह से, और एकदम ज़्यादा मोटा ग्रेट नहीं करिए। तो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसे ढक देते हैं और ढक करके 5 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में हम इसे चला लेंगे, ताकि ये पैन से चिपके नहीं, ताकि जो आलू है वो अच्छी तरह से पक जाए। 5 मिनट हो गया, ढक्कन को हम हटा देंगे, और ये आलू भी अच्छी तरह से पक गई है। तो मैंने इस तरह से इसे मीडियम फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए चलाते हुए पका लिया है, तो इसके अंदर का पानी अच्छी तरह से सूख गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और उसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच नींबू का रस, और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अच्छे से मिला देंगे और अब हम स्टफिंग को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अब यहाँ 15 मिनट भी हो चुके हैं, ढक्कन को हम हटा देंगे और ये आटे को एक बार वापस से अच्छी तरह से मसल लेंगे और स्मूथ करेंगे। तो मैंने आटे को अच्छी तरह से मसल लिया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और एक लोई बनाएंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से एक लोई ले ली है। अब इस लोई को हम बेलेंगे। इसे हमें पतला बेलना है, एकदम ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें रोटी को बेलना है, बिल्कुल पतला, एकदम ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। मैं आपको थिकनेस दिखा रही हूँ, ये देखिए। और ज़रूरी नहीं है कि जो रोटी बने वो गोल ही बने, हमें इसे कट करना है। तो इस तरह से हम इसे कट करेंगे, ताकि ये प्रॉपर शेप में आ जाए। तो इस तरह से हम इसे कट कर देंगे और इसके साइड्स के पार्ट को हटाकर हम वापस से गुथे हुए आटे में मिला लेंगे और शीट बनाने के लिए यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये शीट रेडी कर ली है, ये देखिए। अब जो ये स्टफिंग है, ये भी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। तो यहाँ पर 1 चम्मच स्टफिंग हम लेंगे और इसमें इस तरह से रखेंगे, और अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए, इस साइड से पहले हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। स्प्रिंग रोल का साइज आप बड़ा छोटा आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप चाहें तो इससे बड़ा भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा छोटा रखा है, ये देखिए। अब हम इसे
फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर थोड़े से आटे को घोलकर इसका एक घोल बनाया है, इसे चिपकाने के लिए ये हेल्प करेगा। तो इस तरह से हम ये आटे के घोल को इसके ऊपर लगा देंगे ताकि जो रोल है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। रोल को अच्छी तरह से ज़रूर चिपकाएं, नहीं तो ये फ्राई करते समय खुल जाएगा। आप यहाँ गेहूँ के आटे की जगह मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। और इस तरह से हम हल्के हल्के हाथों से इसे रोल करते जाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया स्प्रिंग रोल बना है गेहूँ के आटे का। तो इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। और प्लेट में रखते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, जिस साइड से हमने जॉइंट किया है उस साइड से हम प्लेट में रखेंगे ताकि जो इसका जॉइंट है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम इसी तरह से सारे स्प्रिंग रोल बना लेंगे। तो मैं आपको वापस से एक और स्प्रिंग रोल बनाना बताती हूँ। इस तरह से शीट लेंगे और स्टफिंग को इस तरह से फिल करेंगे। इस तरह से स्टफिंग को अच्छी तरह से सेट कर ले पहले। अब इस साइड से उठाएं और इसे फोल्ड करें और इस साइड से भी उठाकर इसे फोल्ड करें। हल्का हल्का प्रेस कर दें और हल्के हाथों से इसे रोल करते जाएं, स्टफिंग को अंदर प्रेस करते जाएं। ये देखिए इस तरह से पहले आप एक फोल्ड कर लें और जो हमने घोल बना के रखा है आटे का उसे हम इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे। और वापस से इस तरह से हम रोल कर देंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। ये देखिए तो एक स्प्रिंग रोल और तैयार हो गया। इसी तरह से हम सारे स्प्रिंग रोल रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे गेहूं के आटे के स्प्रिंग रोल बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब जो हमने रोल बनाए हैं वो रोल हम इसके अंदर डालेंगे। एक बात का ध्यान रखें, तेल को अच्छी तरह से गर्म होने के बाद ही रोल को तेल में डालें, एकदम ठंडे तेल में रोल को नहीं डालिए। तो इस तरह से हम एक एक रोल डाल देंगे, जितने रोल कढ़ाई में आएंगे उतने हम डाल देंगे, एक साथ ढेर सारे भी नहीं डालिए। अब हम इन्हें फ्राई होने देंगे। इन्हें आपको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करिए। यदि आप इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे, तो इसलिए आप इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करें। अब ये हल्के से फ्राई हो गए हैं तो इन्हें हम हल्का हल्का सा टर्न करेंगे इस तरह से ताकि ये चारों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो और इनमें चारों साइड से अच्छी तरह से कलर आए। आप देख सकते हैं इनमें बढ़िया सा कलर आने लगा है, लेकिन हमें इन्हें अभी थोड़ी देर के लिए और फ्राई करना है। इस तरह से झारे से हिलाते रहिए ताकि चारों साइड से अच्छी तरह से कलर आए। और जैसा कि मैंने आपको कहा है, इन्हें फ्राई करते समय एक चीज का ध्यान और रखें, जब आप इन रोल को चिपकाएं तो अच्छी तरह से चिपकाएं, और दूसरी चीज जब आप इन्हें तेल में डालें तो तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद ही डालें, ठंडे तेल में बिल्कुल भी नहीं डालें। यदि आप इन्हें ठंडे तेल में डालेंगे तो ये खुल भी सकते हैं और यदि आप अच्छी तरह से नहीं चिपकाएंगे तब भी ये खुल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और इनमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। मैं आपको नज़दीक से बता देती हूँ, ये देखिए वाओ कितनी बढ़िया तरीके से ये फ्राई हुए हैं। तो इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया बिल्कुल बाजार जैसे स्प्रिंग रोल घर में बने हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब मैं आपको एक स्प्रिंग रोल काट के बताती हूँ। तो ये देखिए काटते से ही ये स्प्रिंग रोल क्रैक हो रहा है, इसका मतलब कि ये बहुत ही खस्ता बना है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में एक बार ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।